मध्य प्रदेश में चुनावी माहौल बनने के साथ ही अब राजनीतिक बयानबाजी का सिलसिला भी तेज हो गया है। अब नेता अपने क्षेत्रों के लोगों से संवाद करने के साथ साथ विरोधियों को जवाब भी देने की कोशिश में हैं। इंदौर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2 से कांग्रेस नेता मोहन सेंगर ने अपने क्षेत्र के भाजपा पार्षदों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सेंगर ने आरोप लगाते हुए कहा कि विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2 के पार्षदों को निगम के सभी महापौर से परेशानी है। उन्होंने कहा कि जब उमा शशि शर्मा महापौर थीं तब भी पार्षद निगम में नहीं जाते थे, इसके बाद कृष्ण मुरारी मोघे और मालिनी गौड़ के समय में भी इसी तरह की परेशानी पार्षदों को है। हमारी भारतीय जनता पार्टी के हमारे क्षेत्र के नेता हैं, इनकी किसी भी महापौर से नहीं बनती है, चाहे कृष्ण मुरारी मोघे हों या उमा शशि शर्मा हों या मालिनी गौड़ हों। सभी जानते हैं कि नगर निगम एक स्वायत्त संस्था है जिसमें वित्त का साधन बहुत होता है, एक प्रकार की छोटी गवर्नमेंट है, सेमी गवर्नमेंट है। तो जितना झगड़ा है ना, ये वित्त का झगड़ा है, महापौर से झगड़ा नहीं है। अब इन चीजों को हम आने वाले समय में लोगों के सामने लाएंगे कि ये विवाद किस चीज के। इंदौर में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय द्वारा निकाली गई किसान रैली को लेकर भी उन्होंने कहा कि वह रैली किसानों की नहीं बल्कि भाजपा कार्यकर्ताओं की और निगम के कर्मचारियों की थी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एकत्रित हुए हैं, आज मेरे कने भी सूचनाएं हैं, व्हाट्सएप पे फोटो भी देखे मैंने, किसान का है, उसमें शहर के लोग शामिल है, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, नगर निगम के कर्मचारी है, इंदौर विकास प्राधिकरण के कर्मचारी है, हाउसिंग बोर्ड के कर्मचारी है, जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों कार्यकर्ताओं को जो नेताओं ने नौकरियां दिला रखी इन पिछले 10-15 सालों में, वे लोग शामिल है। किसान कहाँ है उसमें, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता शामिल है। सेंगर ने प्रदेश में और इंदौर शहर में कांग्रेस की सक्रियता को लेकर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि अब प्रदेश में कांग्रेस नई ताकत के साथ उभर रही है, इस बार प्रदेश की जनता भाजपा की सरकार को उखाड़ फेंकेगी। पूरे प्रदेश में माननीय कमलनाथ जी हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं, सिंधिया जी, दिग्विजय सिंह जी, अजय सिंह जी, अरुण यादव जी, पचौरी भाई, जितने भी हमारे सीनियर लीडर्स हैं, सब एकजुट होकर काम कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं में बहुत जोश है और निश्चित रूप से आने वाले समय में मध्य प्रदेश शासन, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, जो झूठों की सरकार है, जो झूठी घोषणाओं की सरकार है, इन सब चीज़ों को इस प्रदेश की जनता उखाड़ फेंकेगी, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास। कुल मिलाकर प्रदेश में जैसे जैसे नेताओं की सक्रियता बढ़ती जा रही है, कांग्रेस और भाजपा में टक्कर भी कड़ी होती जा रही है। ऐसे में विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2 से बीते कई वर्षों से कांग्रेस का परचम उठाने वाले नेता मोहन सेंगर के इस बयान ने क्षेत्र के भाजपा जनप्रतिनिधियों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में यह बयानबाजी का सिलसिला कितना तीखा होता जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टैलेंटेड इंडिया।